चिड़े भाई, क्या हाल है। मैं इधर से जा रहा था तो मैंने कहा तुमसे मिल लूँ और कारोबार के बारे में भी पूछ लूँ। मैं तो ठीक हूँ तोते भाई, तुम सुनाओ और कौन सा कारोबार करना चाहते हो। मैं तो कर ही रहा हूँ, तुम बताओ। मैं भी तुम्हारे वाला कारोबार करना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता था कि मैं शुरू में कितने पैसे लगाऊँ ताकि कारोबार चले। देखो, मैंने तो शुरू में 50,000 के कपड़े लिए थे और भी फिर कपड़े मंगवाए थे, और मेरी दुकान भी तो अब सही चल रही है। ठीक है, मेरे पास भी 30,000 हैं तो मैं इन पैसों के कपड़े ले लेता हूँ और बेचता हूँ। चलो ठीक है, तुम ये कपड़े ले लो और बेचो, और अगर तुम्हें फिर भी कपड़ों की ज़रूरत हो तो फिर मुझसे रابطہ करना। ठीक है चिड़े भाई, मैं अब चलता हूँ और पैसे ले आता हूँ ताकि मैं कपड़ा खरीदूँ और फिर दुकान बनाऊँ। और फिर तोता चिड़े के पास से उड़कर चला जाता है ताकि वो जाकर पैसे ले आए और चिड़े के साथ जाकर कपड़े खरीदे और दुकान बनाए। कालिया भाई, तुम्हें पता है आज तोता आया था और मुझसे कारोबार का पूछ रहा था। तोता भैया कौन सा कारोबार करना चाहता है और उसके पास तो पैसे नहीं थे। मैं चंद दिन पहले गया था और वो कह रहा था उसके पास 30,000 हैं और वो कपड़े खरीदना चाहता है। उससे मैंने कहा कि तुम जाकर पैसे ले आओ। ठीक है चिड़े भाई, फिर मैं भी कारोबार करना चाहता हूँ। मेरे पास भी 40,000 हैं तो आप मुझे भी कपड़े खरीद कर दें। ठीक है कालिया भैया, ऐसे घूमने से बेहतर है कि तुम भी अपना कारोबार शुरू करो। तुम जाओ और पैसे ले आओ। चलो ठीक है चिड़े भाई, मैं चलता हूँ और पैसे ले आता हूँ। फिर हम दोनों कपड़े खरीदने चलेंगे और मैं भी कपड़े बेचूँगा। चलो ठीक है, मुझे थोड़ा काम है वो मैं कर लेता हूँ, और तुम पैसे लेकर आ जाओ और फिर हम शाम को चलते हैं। और फिर चिड़ा कालिया के पास से उड़कर चला जाता है ताकि वो जाकर अपना काम करे और जल्दी फ्री होकर अपने दोस्तों का कारोबार करवाए। तुम्हें पता है तोता भैया कारोबार कर रहा है और उसने चिड़े से बात भी कर ली है और वो कपड़ों की शॉप बना रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी कपड़ों की शॉप बना लो, बहुत चलेगी और अपना कारोबार भी होगा। हाँ मैं भी बना रहा हूँ। मैंने चिड़े से बात की है और उसे मैंने कहा है कि मेरे पास 40,000 रुपये हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम भी तुम्हारे पास से कपड़ा खरीदेंगे, और मैं अपने दोस्तों को भी बोलूँगा कि वो भी तुमसे खरीदें। बस भैया, बस अभी मैंने जाना है और फिर कपड़े खरीद कर अपनी दुकान बनानी है ताकि लोगों को अच्छे दामों बेचूं। और तोते का भी सुनकर बहुत खुशी हुई, वो भी ऐसे घूम रहा था, चलो उसके जहन में कोई कारोबार आया और वो करना चाहता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आपको कारोबार करना चाहिए, और अगर आपके दोस्त हों तो उन्हें भी मशवरा देना चाहिए कि वो भी कारोबार करें और आप उनकी मदद करें। अगर आप जानते हैं तो उनको खुद ले जाएं, सामान खरीद कर दें।